Hello everyone. Now we will see what is buffer solution and what is buffer capacity. So, a solution which maintains its pH after addition of small proportion of acid or base, we call it as buffer solution. Suppose here, this is solution. Okay, you can say buffer solution. हम इसके अंदर small proportion of acid या base add करते हैं तो वो उसकी पीएच चेंज नहीं करेगा या करेगा तो भी थोड़े से प्रोपोर्शन में करेगा. मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो एसिड या बेस का एडिशन करने से पीएच का चेंज नहीं करता उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज बफर कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 पीएच यूनिट. ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके तुमको पीएच 1 यूनिट से चेंज करनी है उससे आप बफर कैपेसिटी कह सकते हैं. सपोज के दिस इज द बफर सॉल्यूशन. ओके, और आप यहां इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या तो स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हैं तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा उसकी पीएच का एक यूनिट चेंज करने में उसे हम बफर कैपेसिटी कहते हैं. एग्जांपल के तौर पे सपोज कि इसकी पीएच एक्स है, हम एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इतना चाहिए हमको कि जिससे हम या तो एक्स माइनस वन कर सके या एक्स प्लस वन कर सके, इसे हम बफर कैपेसिटी कहते हैं.